और टिकट के लिए भी उम्मीदवारों का चयन के लिए भी अधिकृत उन्हीं को किया गया। पार्टी में लालू यादव डिसाइड करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष को अधिकृत किया गया है तो कौन से किन से वार्ता करनी है वो इंडिया गठबंधन में भी सीट शेयरिंग का राज्य में और अन्य राज्यों में बिहार झारखंड अन्य राज्यों में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसको तय करेंगे। हमारा उम्मीदवार के साथ ही कौन कहाँ लड़ेगा इसका भी घोषणा होगा। इस तरह से पारस को और उनके साथियों को बेइज्जत किया गया, भारतीय जनता पार्टी ने बेइज्जत किया, वो राजनीति में उस तरह का उदाहरण कम मिलता है। नीतीश कुमार की स्थिति जो है समाज में हास्यास्पद हो गई। उस तरह का अपमान जो हुआ है पशुपति पारस और उनके साथियों का, वैसा अपमान जो है राजनीति में हमने नहीं देखा। आप शांत रहोगे तब ना बोलेंगे। राज संसदीय दल की भी बैठक हुई और राज संसदीय दल की बैठक के आधे घंटे के बाद फिर जो है केंद्रीय संसदीय दल की भी बैठक हुई। दोनों बैठक में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया कि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो विभिन्न समान विचारधारा वाली पार्टी से भी वार्ता करेंगे और टिकट के लिए भी उम्मीदवारों का चयन के लिए भी अधिकृत उन्हीं को किया गया। बस एक लाइन का प्रश्न। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अधिकृत कर दिया जल्द करने के वजह से तो जल्द होगा। क्या बोल रहे हैं इस पर? अभी हमारे संसदीय दल की बैठक में, संसदीय बोर्ड की बैठक में इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष को अधिकृत किया गया है तो कौन से किन से वार्ता करनी है वो करें। चलिए और एक लाइन और है। बिहार झारखंड एवं अन्य राज्यों से भी जो प्रस्ताव आए हैं उस प्रस्ताव में था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इसके संसदीय बोर्ड जो है वो तय कर दिया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अधिकृत किया जाता है। और इंडिया गठबंधन में भी सीट शेयरिंग का राज्य में और अन्य राज्यों में बिहार झारखंड अन्य राज्यों में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसको तय करेंगे। सकता है महागठबंधन में? अभी हम नहीं कर सकते, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं। और सर अशोक महतो शादी की चर्चा है कि उनकी पत्नी को मुंगेर से टिकट मिल सकता है? ये हमको नहीं पता है, हम नहीं कर सकते हैं। कौन है अशोक महतो? हमको जानकारी भी नहीं है, जानते नहीं। चुनाव के लिए कितना तैयार है महागठबंधन सर? चुनाव के लिए कितना तैयार है? बिल्कुल तैयार है। देखिए गलत फहमी में लोग हैं, हम देखते हैं कि जो रूलिंग पार्टी है उसके लोग कहते हैं कि 40 में 40। ये मैंने जिसको मुगेरी लाल का हसीन सपना कहा जाए वो देख रहे हैं लोग। वो ज़माना गया जब पिछला चुनाव हुआ था उसमें 38 में 39 सीट जीते थे। एक उनके मजबूत घटक जो नीतीश कुमार की पार्टी है जनता दल यूनाइटेड है। नीतीश कुमार की स्थिति जो है समाज में हास्यास्पद हो गई। जो लोग मैंने उनके गठबंधन को वोट देंगे वो लोग भी मैंने गाली से ही बात करते हैं, ऐसी परिस्थिति जो है पैदा हो गई है। उसमें ये कल्पना करना कि साहब मैंने 40 में 40 जीतेंगे, इस पर हंसने के सिवा कुछ नहीं कर सकते हैं आप। इसके अलावे मैंने इधर जो डेवलपमेंट हुआ, नीतीश जी यहाँ से छोड़ करके वहाँ गए और तेजस्वी का जो असेंबली में भाषण हुआ उस भाषण से उसका ग्राफ जो है काफ़ी ऊपर गया। और आप देखिएगा कि पूरे बिहार में जो दौरा हुआ जिस तरह से लोग जुट रहे थे जिस उत्साह के साथ, और उसमें नौजवानों की संख्या बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, वैसा भीड़ और वैसा स्वागत मैंने लालू यादव का भी नहीं देखा। जब मंडल कमीशन लागू हुआ था उस समय हम मैंने लगातार जो है तेजस्वी यादव के लालू यादव के साथ मैंने पूरे बिहार में घूम रहे थे, लेकिन जो रिस्पॉन्स तेजस्वी को मिला वो नहीं मिला। और आप देखिए कि कितना शॉर्ट नोटिस पर गांधी मैदान की रैली हुई और किस तरह की रैली हुई ये बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो ये आपने कहा कि अशोक महतो को नहीं पहचानते हैं, अभी थोड़ी देर पहले उराबरी आवास आए हुए थे अपनी पत्नी के। अरे भाई आए हो तो हम क्या जानते हैं कि कौन क्या है, बहुत लोग थे। अब सबको पहचानना जो है ये जरूरी नहीं है,
पार्टी में लालू यादव डिसाइड करेंगे, नीतीश कुमार तेजस्वी डिसाइड करेंगे कि उनका क्या है क्या नहीं है। लेकिन अब इतना तो कहा ही जा सकता है कि जिस तरह से पारस को और उनके साथियों को बेइज्जत किया गया, भारतीय जनता पार्टी ने बेइज्जत किया, वो राजनीति में उस तरह का उदाहरण कम मिलता है। पांचों को आप रखे रहे, अंत अंत तक मंत्री बनाए रखे, और जब टिकट के बंटवारे का समय हुआ तो आपने अंगूठा दिखा दिया। इस तरह का अपमान जो हुआ है पशुपति पारस और उनके साथियों का, वैसा अपमान जो है राजनीति में हमने नहीं देखा। अब तक इंडिया अलायंस में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ, जो बातें कही जा रही थी पहले हो जाएगी, एनडीए ने घोषणा कर दिया। एनडीए का घोषणा हो गया, कैंडिडेट का घोषणा तो हो ही गया है ना। नहीं नहीं, कितने पर लड़ेंगे ये उनका घोषणा हुआ, लेकिन उम्मीदवार का घोषणा नहीं। इंडिया अलायंस का तो अभी वो हमारा उम्मीदवार के साथ ही कौन कहाँ लड़ेगा इसका भी घोषणा होगा। चलिए।